अगर आप जो है इसे प्रेस करने की कोशिश करोगे आराम से प्रेस भी हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बाकी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो प्रोफेशनल करके यहाँ पर जो है ब्रांडिंग दी गई है। हे गाइस, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स अड्डा। अनबॉक्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। एंड आज के वीडियो का थंबनेल आपने दिखा ही होगा, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का ये वीडियो होने वाला है सोप्सी के बारे में। आज का ये वीडियो सोप्सी का होल वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको काफी चीप प्रोडक्ट जो है मैं आपको परचेज करके लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैं आपके सामने परचेज करूंगा सोप्सी से, और इसके साथ ही अनबॉक्सिंग भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बेसिकली वीडियो दो पार्ट में रिकॉर्ड होगी। मैं अभी जो है ऑर्डर कर रहा हूँ, बाद में जैसे प्रोडक्ट मुझे रिसीव हो जाएंगे तो मैं आपके सामने अनबॉक्स करके इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। सोप्सी अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। सोप्सी जो है फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है, फ्लिपकार्ट की ही तरफ से सोप्सी जो है ओपन किया गया है, और यहाँ पर आपको काफी चीप प्राइस में फ्री डिलीवरी के साथ काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं काफी सस्ते प्राइस में, जो की फ्लिपकार्ट और अमेजन बाकी साइट पर आपको महंगे मिलते हैं। तो सबसे चीप प्राइस वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो मैं आपको आपके सामने ऑर्डर करके बताऊंगा, इसके साथ ही उनकी क्वालिटी कैसे आई है वो भी चेक करके बताऊंगा, फिर बाद में पैकेजिंग कैसे रहेगी, क्वालिटी कैसी रहेगी, प्राइसिंग कितनी रहेगी, सारी चीजें जानने वाले हैं। आपको 80-90 रुपीज में, 30 रुपीज में, 100 रुपीज में, 150 रुपीज में कमाल कमाल के गैजेट्स, कमाल कमाल के प्रोडक्ट में अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में काफी कमाल कमाल के प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर कर देता हूँ सोप्सी के एप्लीकेशन से काफी सारे गैजेट, काफी सारे प्रोडक्ट जो कि काफी चीप प्राइस में मिल रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होने वाले हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होने वाले हैं। कुछ ऐसे ऑफर होते हैं सोप्सी पर जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं, लेकिन काफी तगड़े लूट डील में आपको मिल जाते हैं। तो वो भी हम चेक करने वाले हैं ऑर्डर करके कि क्या वो प्रोडक्ट सही से बेचते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं, नहीं बेचते सोप्सी वाले, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आपको एड टू कार्ट करके और ऑर्डर करके बता देता हूँ। तो चलिए मैं अपने मोबाइल फोन से फटाफट से क्या करता हूँ कि सोप्सी से प्रोडक्ट ऑर्डर करके आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट में ऐसे चीप प्राइस वाले ऑर्डर कर रहा हूँ, वो सारे आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना ली चीप प्रोडक्ट की जो कि मैं सोप्सी से परचेज करने वाला हूं और आपको इसी वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं और रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर जो है 3 फीट का टेडी ऑर्डर कर लेता हूं। तो बेसिकली 3 फीट के 2 टेडी में ऑर्डर करने वाला हूँ अलग अलग कलर वेरिएंट में। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर मैं ऑर्डर करने वाला हूँ आपके सामने लाइव प्रूफ मोबाइल से, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसके साइड में दिखाई देगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो आराम से, तो पूरी डिटेल के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और साथ ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी इसी वीडियो में आपको होने वाले हैं। तो यहाँ पर फटाफट से जो 2 टेडी है वो ऑर्डर कर देता हूँ। तो जो पहला टेडी है मैंने अपनी कार्ट में ऐड कर लिया है 239 रुपीज का ओनली, एंड इसके बाद भी हमें और डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, 20 रुपीज ऑफ वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको यस नो करना है। यस करने के बाद 20 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल चुका है। इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के बाद यहाँ पर 20 रुपीज की प्राइसिंग और कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऑफर खत्म नहीं हुआ है। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके और आप यहाँ पर सुपर कॉइन से और ज्यादा सेविंग कर पाओगे। तो यहाँ से 8 सुपर कॉइन से मैं और डिस्काउंट पा सकता हूँ। तो 8 सुपर कॉइन भी मैंने अप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ पर 211 रुपीज में 3 फिट का टेडी मुझे मिल रहा है। तो सिंपल मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर मैं करूंगा। तो देखिए पहला ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगला जो प्रोडक्ट है वो है ग्लू गन। एक ग्लू गन यहाँ पर ऑर्डर कर रहा हूँ जो की 143 रुपीज में मुझे ओनली मिलेगी। तो एक ग्लूगन में फटाफट से एड टू कार्ट करता हूँ। एड टू कार्ट करने के बाद इसे जो है यहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हैं हम, 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। तो 149 की इसकी वजह से प्राइस है, ऑफर प्राइस। तो ये ग्लूगन में सबसे पहले एड टू कार्ट कर लेता हूँ। एड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर 20 रुपीज का डिस्काउंट मुझे मिल चुका है अप्लाई कूपन पर क्लिक करके, और यहाँ से आप 20 रुपीज सेव कर सकते हो। काफी सारे प्रोडक्ट पर सेव कर सकते हो आप, सोप्सी पर मिल जाता है आराम से डिस्काउंट। एंड इसके बाद भी यहाँ पर और डिस्काउंट हमें और मिलेगा सुपर कॉइन से, जैसे की पिछले प्रोडक्ट पे मुझे मिला। कूपन पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है मैंने। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सुपर कॉइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, तो मैंने यहाँ पर सुपर कॉइन और भी सेलेक्ट कर लिए हैं जिससे मुझे और डिस्काउंट मिल चुका है। तो 143 रुपीज और 6 सुपर कॉइन यूज करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर ग्लू गन का भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिसमें एक ग्लू गन मुझे मिल रही है, साथ ही साथ ग्लू स्टिक मिल रही है। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑर्डर में प्लेस कर लेता हूँ जो की स्टील बोतल का। अब स्टील बोतल भी यहाँ पर एड टू कार्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ। यहाँ पर स्टील बोतल मैंने 2 का कॉम्बो यहाँ पर एड टू कार्ट कर लिया है, और इसकी प्राइसिंग है 217 रुपीज, यानी कि 217 रुपीज में फाइनल मुझे मिल जाएगी। तो फटाफट से मैं इसे एड टू कार्ट कर लेता हूँ। एड टू कार्ट होने के बाद यहाँ से अब मैं इसे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने से पहले
कूपन हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पर 217 रुपीज और 8 सुपर कॉइन अप्लाई करके मैं इसे परचेज कर सकता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया मैंने। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट कर दिया है। 2 बोतल का कॉम्बो 217 रुपीज और 8 सुपर कॉइन यूज करके मुझे मिल चुका है। अब मैं अगला प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेता हूँ। अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सेट टॉप बॉक्स सेल्फ, जिसमें आप सेट टॉप बॉक्स रख सकते हो टीवी का। टीवी में आपका एक सेट टॉप बॉक्स होता है छोटी साइज का भी और एक मीडियम साइज का और एक बड़ी साइज का पहले आता था। शॉपसी पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर जो है मैंने सर्च किया और काफी चीप प्राइस में मैं इसे परचेज करने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ इसे डिलीवर होने के बाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ रिव्यू करके कि क्या वाकई में ये अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। काफी चीप प्राइस में मैं इसे परचेज कर रहा हूँ, जो कि मार्केट में मिलना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स सेल्फ सर्च कर लिया है और यहाँ पर काफी सारे सेल्फ के नाम से ऑर्डर आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ टॉप बेस्ट ब्रांड का, साथ ही जो है फ्लिपकार्ट अश्योर्ड भी देख रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट अश्योर्ड यहाँ पर एक मुझे मिल चुका है, तो 71 रुपीज का मिल रहा है डायरेक्ट। एंड इसके साथ ही यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह करके यहाँ पर हमें जो है 68 रुपीज में मिल रहा है फाइनल ये सेट टॉप बॉक्स सेल्फ, जो कि काफी चीप प्राइस में मिल रहा है। प्लास्टिक का है हालांकि, लेकिन 68 में मार्केट में मिलना नामुमकिन है। तो 68 रुपीज में यहाँ पर एड टू कार्ट कर लिया है मैंने। इसे एड टू कार्ट करने के बाद सिंपल मैं इसे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर एड टू कार्ट मैंने कर लिया है। टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह सारा अप्लाई हो चुका है। डिस्काउंट यहाँ पर 20 रुपीज का मिल चुका है। उसके बाद 68 रुपीज इसकी प्राइस हो जाती है। प्राइस होने के बाद सिंपल यहाँ पर जो है मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सुपर कॉइन जो है अप्लाई हो जाते हैं 3 सुपर कॉइन और इससे हमें जो है फाइनल यहाँ पर प्राइस हो जाती है 68 रुपीज और 3 सुपर कॉइन। तो 68 रुपीज और 3 सुपर कॉइन में मैं इसे कंटिन्यू करके और पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यूपीआई से सेलेक्ट करके और फोन पे से पेमेंट कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पर ऑर्डर भी डन हो चुका है। तो इस तरह से मैंने 68 रुपीज और 3 सुपर कॉइन में एक सेट टॉप बॉक्स का सेल्फ भी ऑर्डर कर दिया, जो कि काफी चीप प्राइस में। अब डिलीवर होने पर इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो ऑर्डर प्लेस का यहाँ पर मैसेज आ चुका है। ऑर्डर प्लेस का यहाँ पर जो डिटेल है वो देखने को मिल चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की, जो कि एक टेडी को मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था, एक और टेडी डिफरेंट कलर में 3 फिट का और ऑर्डर करने वाला हूँ। तो जाकर के मैंने टेडी सेलेक्ट किया 3 फिट का और 3 फिट का टेडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर काफी सारे टेडी मेरे सामने आ चुके हैं। एक टेडी मैंने यहाँ पर पिंक कलर का सेलेक्ट कर लिया, जो कि 218 रुपीज का यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये, और इससे एड टू कार्ट कर लिया मैंने। एड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर 20 रुपीज के डिस्काउंट के बाद 218 रुपीज में मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मिल चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर 8 सुपर कॉइन और मुझे डिस्काउंट मिल चुका है, 8 रुपीज का और डिस्काउंट मिल चुका है। तो 210 रुपीज और 8 सुपर कॉइन में मैं इसे परचेज कर रहा हूँ। कंटिन्यू मैंने कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट कर रहा हूँ मैं, तो पेमेंट करने के टाइम भी मुझे यहाँ पर और डिस्काउंट मिल चुका है 20 रुपीज का, किसी भी मेथड से, कोटक के कार्ड से भी डिस्काउंट मिल रहा है, यूपीआई से मिल रहा है। तो 20 रुपीज का और डिस्काउंट मिल चुका है, यानी कि 190 रुपीज और 8 सुपर कॉइन में मैंने इसे सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस कर दिया है। क्लियर यहाँ पर जो है डिटेल मेंशन है। अब मैंने यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 प्रोडक्ट कार्ट में एड कर दिए। दो तरह के अलग अलग वेरिएंट में टेडी मैंने परचेज कर लिए, साथ ही एक मैंने जो है सेट टॉप बॉक्स सेल्फ कर लिया। इसके साथ ही एक मैंने ग्लू गन करी है और एक यहाँ पर मैंने जो है बोतल करी है, स्टील बोतल। तो टोटल वैसे 4 कैटेगरी के 4 प्रोडक्ट है, बाकी टोटल 5 प्रोडक्ट है, यानी कि 2 टेडी है और 3 प्रोडक्ट अलग से है। तो टोटल 5 प्रोडक्ट मैंने कार्ट में एड करके और सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब वेट करते हैं इनके डिलीवर होने के और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ उनका रिव्यू करके कि कैसे प्रोडक्ट रिसीव होंगे। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते, अब मिलते हैं आपसे जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। One eternity later. तो गाइस फाइनली जो पार्सल है शॉपसी की ओर से, जो कि मैंने आपको ऑर्डर करके दिखाए थे, वो रिसीव हो चुके हैं और बारी बारी से मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ क्या वाकई में जो चीप प्राइस में मैंने परचेज किए हैं उस प्राइस में अच्छा खासा मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है। 5 प्रोडक्ट की बारी बारी से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट नंबर का जो पार्सल है, चलिए उसे अनबॉक्स करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो पार्सल है फ्लिपकार्ट की यहाँ पर ब्रांडिंग है और ये शॉपसी की ओर से जो पार्सल आपको रिसीव होगा वो आपको रिसीव होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ही ऐप है ये शॉपसी। तो चलिए अब पहला पार्सल अनपैक करते हैं। इसमें एक टेडी है जो कि 3 फिट का टेडी मैंने आपको एक ऑर्डर करके बताया था वो वाला, और एक दूसरा टेडी भी 3 फिट का वो भी रिसीव हो चुका है, उसे भी अनपैक करेंगे। चलिए इसे अनपैक करते हैं फटाफट से। ऑलराइट गाइज, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अब इस टेडी को बाहर निकालते हैं, क्या ये 3 फिट का टेडी मुझे रिसीव हुआ है। तो इस तरह की पैकेजिंग है। ये टेडी मुझे जो है थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन बाकी प्लास्टिक से बाहर निकाल के इसे चेक करते हैं
क्या ये जो है अच्छी क्वालिटी का है। बाकी यहाँ से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए इसे प्लास्टिक से बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लास्टिक मैंने ओपन कर लिया है, अब इस टेडी को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इस तरह का ये मुझे लगता है 3 फीट का टेडी है, तो इंच टेप से हम इसे नापेंगे। जहां तक है ये 3 फीट का टेडी लग रहा है आराम से। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मतलब काफी बेहतर है इस प्राइस के हिसाब से, काफी बेस्ट, इस चीप प्राइस में काफी बेस्ट ये टेडी मुझे मिल चुका है। इस तरह का ये ब्राउन कलर का है, थोड़ा लाइट ब्राउन। और अभी पिंक वाला जो है उसे भी अनपैक करते हैं, बाद में इसे मेजर करेंगे कि इसकी जो साइज है वो 3 फीट या कम है। बाकी मुझे लगता है 3 फीट आराम से होगी इसकी साइज। तो चलिए अब जो दूसरा पार्सल है वो अनपैक करते हैं। तो गाइज ये आ चुका है दूसरा पार्सल जिसमें भी टेडी है पिंक कलर का। अब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पार्सल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी, और फ्लिपकार्ट के ही पैकेज में शॉपसी का ये वाला पार्सल भी रिसीव हो चुका है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। चलिए ये प्लास्टिक से बाहर आ चुका है, अब मैं इस टेडी को बाहर निकाल लेता हूँ। ये बिना प्लास्टिक का रिसीव हुआ है, इसमें कोई प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है। बाकी टेडी की बात करें तो पिंक कलर का टेडी ही मैंने ऑर्डर किया था, पिंक ही रिसीव हुआ है और क्वालिटी दोनों की ही सेम है। मेजर करते हैं इसे कि 3 फीट का है या कम का है। तो चलिए अब मेजरिंग टेप से इसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो है इसे स्टार्ट करके और आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने इंच का है। तो यहाँ से मेजर करते हैं और ये जो है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये जो है 30 इंच के लगभग है और 36 होना चाहिए था इसे। बाकी 30 इंच का है यानी कि 6 इंच कम है। तो 3 फिट की जगह ये वाला जो टेडी है वो 2.5 फिट का है, यानी कि 3 फिट की लेंथ वहां पर दिखाई गई थी लेकिन ये 3 फिट की जगह 2.5 फिट का है। लेकिन उसके बाद भी इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से काफी बेस्ट है दोनों ही टेडी। दूसरे टेडी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, उसकी साइज 2 इंच बड़ी है मैंने मेजर किया है, तो यानी कि उसमें 32 इंच के आसपास है, ये 30 इंच के आसपास है। बाकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर माउथ वगैरह अच्छे से यहाँ पेस्ट किया गया है, यहाँ पर दोनों आंखें इसकी अच्छी से पेस्ट की गई है, साथ ही यहाँ पर एक रिबन लगाया हुआ है। और बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी है। बैक साइड में आपको एक जिप मिल जाती है, वॉश भी कर सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वॉशेबल है। तो इस तरह का टेडी है, टेडी तो काफी ज्यादा अच्छे हैं दोनों। अब बाकी के जो 3 प्रोडक्ट है चलिए उन्हें भी अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट गाइस, 2 मैंने टेडी आपको अनबॉक्स करके दिखा दिए, बाकी जो 3 पार्सल बचे हैं अभी मेरे पास, 1, 2 और एक और मेरे पास बचा हुआ है, 3 3 ये प्रोडक्ट है। तीनों भी मैं आपको बारी बारी से अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ, जिनमें क्या क्या रिसीव हुआ है चेक करने वाले हैं। ऑर्डर करके मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले ग्लू गन में आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ग्लू गन जो है मुझे लग रहा है डायरेक्ट पैकेज में प्राप्त हुई है इस तरह से, और डायरेक्ट प्लास्टिक पैकेजिंग में है हालांकि, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है पैकेट इस तरह से पकड़ने से कि डायरेक्ट यहाँ पर ग्लू गन को सेंड कर दिया गया है। बाकी चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इसे अनपैक करता हूँ एंड उसके बाद चेक करेंगे नाइफ की हेल्प से। सबसे पहले मैं इसे जो है हटा लेता हूँ प्लास्टिक को एंड उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि वाकई में इसकी पैकेजिंग कैसी अंदर से, और क्या वाकई में जो है सही से ग्लू गन रिसीव हुई है नहीं हुई है, वो भी चीज चेक करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ग्लू गन की पैकेजिंग जो है मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो ये ग्लू स्टिक है और 6 ग्लू स्टिक इसमें है, आप देख सकते हो इस तरह की ग्लू स्टिक है। और यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी है, यहाँ पर कासीगर करके एक ब्रांडिंग लिखी हुई है। तो 6 ये स्टिक हो चुकी है ग्लू स्टिक जो कि इस तरह की है। अब ये है हमारी ग्लू गन जो इस तरह की देखने को मिल रही है, पैकेजिंग इस तरह की है, 20 वाट की आपको मिल जाती है ग्लू गन, और यहाँ पर पूरी इस तरह से पैकेज करके भेजी गई है, डायरेक्ट पैकेजिंग भेजी गई है, इसमें कोई भी बबल शीट वगैरह मुझे नहीं मिली। तो चलिए फटाफट से इसे अनपैक करते हैं। अनपैक करने के लिए यहाँ से जो है अनलॉक करना होगा सबसे पहले। तो पैकेज निकालने के बाद सबसे पहले मुझे इस तरह की एक ग्लू गन मिल चुकी है, इसे चेक करने वाले हैं, और एक इस तरह का एक क्लैंप मिल चुका है। क्लैंप के साथ साथ यहाँ पर आधी आधी करके ये एक स्टिक मिल चुकी है। अब ग्लू गन जो है काफी छोटी साइज की है। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल काफी अच्छा है, प्लास्टिक मटेरियल है, लेकिन जो है प्लास्टिक मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का है, डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। 143 रुपीज और 6 सुपर कॉइन में मैंने इसे परचेज किया है, उस हिसाब से मुझे काफी बेस्ट लगी है। मतलब ये 200-250-300 रुपीज तक भी अगर परचेज करोगे तो भी आपको वर्थ लगेगी, अच्छी क्वालिटी है। अब यहाँ पर इस तरह से आपको कैसे यूज करना है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर स्क्रू वगैरह भी अच्छे खासे हैं, बाकी सारी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आगे आपको एक मेटल की यहाँ पर जो है नॉब मिल जाती है, जिससे कि यहाँ पर ग्लू निकलने वाली बेसिकली। और वायर की बात करें, वायर भी ठीक ठाक कंडीशन में आपको मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बाकी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेगा प्रोफेशनल करके यहाँ पर जो है ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर ग्लू गन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये ग्लू स्टिक है, ग्लू स्टिक को सिंपल इस तरह से आपको लगाना होगा,
यहाँ से आप इसे लगाओगे और इसके बाद इस तरह से आपको इंसर्ट कर देना है। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद आपको ये वाला जो प्लग है वो अपनी लाइट में, लाइट के स्विच बोर्ड में लगाना होगा। स्विच बोर्ड में लगाने के बाद गर्म होने देना है, उसके बाद ये पिघलती जाएगी और आगे से जो है ग्लू निकलती जाएगी। तो इस तरह से वर्क करती है ग्लू गन। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के प्रोडक्ट के बारे में। पार्सल में जो है सेट टॉप बॉक्स सेल्फ है, तो चलिए इसे भी अनपैक करते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग ना यूज करते हुए बॉक्स पैकेजिंग है। यहाँ से जो बॉक्स है वो थोड़ा सा पिचक गया है, लेकिन यहाँ से इस साइड से काफी अच्छा है। चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्या जो है ये सेल्फ अच्छा आया है या फिर टूट चुका है वो भी चेक करने वाले। सबसे पहले जो है मैं इसकी पैकेजिंग हटा लेता हूँ। पैकेजिंग हटाने के बाद सबसे पहले यहाँ भी टेप है, तो यहाँ से टेप हटा लेते हैं। इस साइड भी टेप है, टेप को हटा लेता हूँ मैं। हटाने के बाद यहाँ से जो है ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद डायरेक्ट जो है सेल्फ यहाँ पर है, कोई अंदर किसी भी तरह की बबल शीट वगैरह नहीं है। ये सेल्फ और इसके साथ ये स्क्रू जो है, स्क्रू की किट मिल चुकी है और ये सेल्फ है। तो सेल्फ बेसिकली इस तरह की है। प्लास्टिक काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक काफी हल्की क्वालिटी का है, प्लास्टिक अच्छा खासा है और काफी ज्यादा अच्छी सॉलिड क्वालिटी मिली है। यहाँ पर जो है आपको रिमोट कंट्रोल रखना होगा, दोनों तरफ रिमोट कंट्रोल रख सकते हो। तो यहाँ पर दो होल है, इस तरह से आपको यहाँ पर इन्हें जो है स्क्रू दिए गए, उन स्क्रू की हेल्प से वॉल में माउंट कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, 68 रुपीज के हिसाब से काफी बेस्ट है। 150-200 तक भी आप परचेज करोगे, 150 रुपीज तक आराम से परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी क्वालिटी, दो रिमोट कंट्रोल रख सकते हो, टीवी का एक सेट टॉप बॉक्स का। तो अब बात करते हैं अगले पार्सल की, यानी कि फिफ्थ नंबर के पार्सल की। फिफ्थ नंबर का पार्सल भी मुझे इस तरह के बॉक्स पैकेज में मिला है और अच्छी खासी पैकेजिंग है, और अनपैक करने के बाद ही हमें पता चलेगा बेसिकली कि बोतल जो है इसमें किस तरह की रिसीव हुई है। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले पहली बोतल आ चुकी है हमारे सामने, उसके बाद ये दूसरी बोतल आ चुकी है। डायरेक्ट प्लास्टिक पैकेजिंग है, यहाँ पर प्लास्टिक से बाहर निकाल लिया है और अनएक्सपेक्टेड क्वालिटी यहाँ पर मिल चुकी है। मतलब स्टील है, देखिए आप यहाँ पर आवाज सुन सकते हैं, स्टील है और हल्का सा ऊपर प्लास्टिक है। प्लास्टिक होने के बाद यहाँ पर जो लिड है ऊपर आपको प्लास्टिक मिलेगा, ये सुन सकते हो आप इसके बाद, और अंदर प्लास्टिक आपको मिलेगा, ये इस तरह का प्लास्टिक है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड है ये वाला हिस्सा आपको प्लास्टिक का मिलेगा और अंदर वाला आपको मिलेगा स्टील का। बाकी काफी फिनिश क्वालिटी है और स्टील क्वालिटी है। बाकी इसकी क्वालिटी तो यूज करने के बाद ज्यादा अच्छे पता चलेगी, बाकी अभी काफी ज्यादा फिनिश आप चेक कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी है। जैसी इमेज में थी बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी यहाँ पर रिसीव हुई है। इस तरह का लिड है, प्लास्टिक लिड यहाँ पर मिल जाता है और अंदर से और बाहर से आपको इस तरह की स्टील बोतल मिल जाती है। तो ये काफी बेस्ट है, अगर मार्केट में आप लोगे तो 150 रुपीज के आसपास मिलती है, लेकिन यहाँ पर 217 और 800 कॉइन में दो परचेज किए। अंदर से बिल्ड क्वालिटी में आपको दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी स्टील लग रही है और ज्यादा थिकनेस नहीं है, इसकी थिकनेस काफी कम है। अगर आप जो है इसे प्रेस करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा दम लगाने पर आराम से प्रेस भी हो जाएगी। बाकी थोड़ा हार्ड मटेरियल है, ठीक ठाक है, कंडीशन जो है मतलब अच्छी खासी है। सेम दूसरी बोतल भी इसी तरह की पैकेज में मिल जाती है, डेंट वगैरह कहीं पर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, मतलब डिलीवर होते टाइम कहीं पर भी कोई डेंट वगैरह नहीं मिला है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। सारा जो यहाँ पर बोतल है वो अच्छे खासे तरीके से रिसीव हो चुका है, कहीं पर कोई इशू देखने को नहीं मिला, अंदर भी कोई इशू नहीं है। तो कुल मिलाकर जो पांचों प्रोडक्ट मैंने सोप्सी से परचेज किए हैं, पांचों की क्वालिटी आपको मैंने चेक करके बताई। मुझे पांचों के पांचों प्रोडक्ट काफी ज्यादा बेस्ट लगे। दोनों टेडी काफी अच्छे थे, हालांकि 3 फीट की साइज बताई थी, लेकिन एक 2.5 फीट था, एक 2.5 फीट से थोड़ा ज्यादा था, 3 फीट नहीं था। बाकी वो चीज जो है फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज करते हो तो भी यही इशू आपको फेस करना पड़ता है। सेलर की तरफ से 3 फीट लिखा जाता है, जबकि 3 फीट से थोड़ा कम ही रिसीव होता है, क्योंकि इस तरह के टेडी में पहले भी परचेज कर चुका हूँ। लेकिन अब बात करें चाहे सेल्फ की, चाहे बोटल्स की बात करें, चाहे ग्लूगन की बात करें, ये पांचों जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा बेस्ट मुझे लगे और इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी बेस्ट है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको पांचों प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही सोप्सी का डायरेक्ट आपको ऑफर पेज का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर अभी सेल चल रही है। सोप्सी पर काफी सेल चलती रहती है, सेल नहीं चलती है तो भी आपको काफी चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अश्योर हूँ कि क्वालिटी आपको वाकई में काफी अच्छी मिलती है, चाहे आप 50 रुपीज का प्रोडक्ट लो, चाहे आप 100 रुपीज का लो या फिर ऊपर का लो, तो आपको यहाँ पर क्वालिटी काफी बेस्ट मिलती है। यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बिल्कुल अश्योर हूँ। हालांकि हो सकता है कुछ सेलर फ्रॉड करने के इरादे से आपको अच्छी क्वालिटी ना भेजे। बाकी जो पांच प्रोडक्ट मैंने परचेज करके आपको बताए, पांचों प्रोडक्ट मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाए, पांचों काफी बेहतरीन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज करना चाहे कर सकते हैं। आई होप आपको ये होल वीडियो पसंद आया होगा जो कि सोप्सी के ऊपर हमने बनाया है। सोप्सी से हमने ऑर्डर किया आपके सामने,
सोप्सी से हमने आपको प्रोडक्ट जो है अनबॉक्स करके दिखाया, रिव्यू करके दिखाया मैंने। मेरे हिसाब से पांचों प्रोडक्ट काफी बेस्ट है, परचेज करना चाहे कर सकते हैं। सोप्सी काफी ट्रस्टेबल है, इस हिसाब से मुझे भी काफी अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही अगर मिंत्रा या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर किसी भी और वेबसाइट का होल वीडियो आप चाहते हो इसी तरह का, जिसमें मैं काफी सारे प्रोडक्ट परचेज करके और आपको बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जेन्युइन रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और भी मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के एक और अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में, होल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।